अगर आप सच में चाहते हैं आपके बालों की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़े, बाल लंबे घने मोटे हों, हेयर फॉल कंट्रोल हो, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा DIY पावरफुल हेयर टोनर शेयर करने वाली हूँ जिससे बालों की जो ग्रोथ होगी ना, आप खुद हैरान रह जाओगे। बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, बाल लंबे घने मोटे होंगे, जड़ से मजबूत होंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूँ आपकी दोस्त शीतल शर्मा, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये रेमेडी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे, लंबे घने मोटे होंगे, हेयर फॉल कंट्रोल होगा, इचिंग की प्रॉब्लम जो हो जाती है स्कैल्प में वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर होगी। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक पैन, इसमें आपको एक गिलास पानी कर लेना है, ठीक है ना। फिर इसमें आपको ऐड करने हैं तेज पत्ता, आपको यहाँ पर 3 से 4 तेज पत्ता लेने हैं। तेज पत्ता हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से करता है, इचिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है। फिर आपको लेने 10 से 12 लॉन्ग क्लॉव्स, ठीक है। इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। जो लॉन्ग होती हैं वो हेयर फॉल को कंट्रोल करती हैं, हेयर को नेचुरल कलर देती हैं, डैमेज हेयर को रिपेयर करती हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करती हैं, हेयर की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से करती हैं। इस पानी को ना आपको गैस पर बॉयल कर लेना है, पानी को इतना बॉईल करना है कि ये आधा गिलास के करीब रह जाए, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा पानी है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब पानी ठंडा हो जाए तो आप देख सकते हैं अभी आधा गिलास के करीब रह गया, और पानी ठंडा हो जाए तो आपको छलनी से छान लेना है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पानी को छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोजमेरी अशेंशन हेयर ऑयल की 5 से 6 बूंदें, ठीक है, रोजमेरी अशेंशन हेयर ऑयल, ठीक। अगर आपके पास रोजमेरी अशेंशन हेयर ऑयल नहीं है तो आपको ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर इसकी जगह विटामिन ई का एक कैप्सूल भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास रोजमेरी है तो आप उसे ऐड कर लीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप एक विटामिन ई का कैप्सूल भी इसमें ऐड कर सकते हो। इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद इसे आपको स्प्रे बोतल में भर लेना है, और भरकर इसे आधे घंटे के लिए अपनी स्कैल्प में और लेंथ में लगा कर छोड़ देना है। आधे घंटे बाद आपको अपने हेयर वॉश कर लेने हैं जो भी शैम्पू आप यूज करते हो उससे। हफ्ते में 2 बार आपको इस टोनर को अपनी स्कैल्प में और लेंथ में लगाना है। इससे जो बालों की ग्रोथ होगी बहुत तेज़ी से होगी, इचिंग की प्रॉब्लम दूर होगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर होगी, हेयर की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, हेयर रीग्रो करेंगे, हेयर फॉल कंट्रोल होगा, और हेयर जड़ से मजबूत लंबे घने मोटे होंगे। चोटी बहुत पतली होती है तो चोटी मोटी होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही पावरफुल रेमेडी, आप ज़रूर इसे यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।